सोलन में रोटरी क्लब द्वारा समाज के लिए अनूठी पहल की गई है, जिसमें शहरवासियों को निशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा का शुभारंभ MSN के गुप्ता द्वारा किया गया। रोटरी क्लब सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए पहले शव वाहन और एम्बुलेंस की सुविधा भी सोलन वासियों को दे चुका है। अब ऑक्सीजन की ये सुविधा पाकर शहरवासी बेहद खुश हैं। खास तौर पर गरीब जरूरतमंदों के लिए ये सुविधा वरदान साबित हो सकती है। ये निशुल्क सेवा रोटरी क्लब के सदस्यों से संपर्क साधकर प्राप्त की जा सकती है। क्लब के सदस्य न केवल ये सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि ऑक्सीजन गैस को कैसे उपयोग करना है इसकी प्राथमिकता जानकारी भी लाभार्थी को उपलब्ध करवाएंगे। संस्था के प्रधान भानु शर्मा और चेयरमैन अरुण तरहेन ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन के अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडरों की भारी कमी रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए शुरुआत में संस्था द्वारा 12 ऑक्सीजन सिलेंडर शहरवासियों के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इसके अलावा एक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये सेवा बिल्कुल निशुल्क रहेगी और इसकी कोई सिक्योरिटी भी नहीं ली जाएगी। उन्होंने बताया कि खास तौर पर ये सेवा जरूरतमंदों के लिए आरंभ की गई है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था कई वर्षों से पहले शहरवासियों को शव वाहन और एम्बुलेंस की सेवा भी उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सुविधा उसे ही मिल सकेगी जिसे सरकारी अस्पताल से घर में ऑक्सीजन लेने के लिए सलाह दी गई हो। सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि हम रोटरी ऑक्सीजन बैंक के नाम से हम एक जो है अपना ऑक्सीजन बैंक का हमने एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, आज उद्घाटन कर रहे हैं। इसका मेन मकसद ये है कि पीछे देखा गया कि कोरोना टाइम पे लोगों को जो है ऑक्सीजन मिलने से बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने एक ये पहल उठाई और हमने इसको शुरुआत करी शहर में और सोलन शहर के आसपास लोगों के लिए कि ताकि जो है ऑक्सीजन जो है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके।